नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अपने यूट्यूब चैनल वीवी अकेडमी एट में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। चलिए हम सीखते हैं। हम पहले सीखते हैं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला यूज करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना होगा और सम स्क्वायर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। टैब प्रेस कीजिए, नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। आप इस प्रकार अपने नंबर्स का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट फार्मूला निकालना। चलिए हम सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, SQRT सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पर नंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, देन एंटर। आप इस प्रकार स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, हम सीखते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूला यूज करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना होगा, पावर फॉर्मूले को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। टैप प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको नंबर्स देना होगा। मैं यहाँ पर नंबर देंगे, कोमा। हम क्या पावर देना चाहते हैं? पावर हम यहाँ पर 3 देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। आप देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं और पावर फॉर्मूला इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सीखते हैं फैक्टोरियल फार्मूला। यदि 5 फैक्टोरियल है तो वो इस प्रकार खुलता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और वैल्यू निकालने के लिए हमको इन सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी नंबर्स को जो फैक्टोरियल के द्वारा यहाँ पर ओपन होते हैं, और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं 120। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा यूज करते हैं, इक्वल टू फैक्टोरियल फॉर्मूला। टैप प्रेस कीजिए, नंबर आपको यहाँ पर 5 देना होगा, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। आप देखते हैं कि अब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही फॉर्मूले से सिंगल सेल में आ चुकी है। इसी प्रकार आप अपने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर किसी दूसरे नंबर को यूज कर लेते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। हम देखते हैं यहाँ पर 24 मिला है, क्योंकि 4 से यहाँ पर 4 थे 12, 24 24 ही यहाँ पर हमको मिलेगा।